अस्सलाम वालेकुम एवर, मैं हूं शेफ़ कमर और आप देख रहे हैं कमर फूड सीक्रेट्स। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेके हाज़िर हो गया हूं। ये टेस्टफुल किस तरीके से बनती है, ये क्रिस्पी किस तरीके से तैयार करते हैं, मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिए। ये जी, हमने इस तरह ये सारे आलू हमने काट लिए, ये देखें, ये देखें, बस इस तरह की कटाई होनी चाहिए आपकी। ये हमने पानी ले लिया, पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इसको गर्म पानी में ये इस तरह डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी के नीचे फ्लेम आपने हाई रखना है, हाई फ्लेम पे 3 मिनट इनको हमने जोश दिलाना है। जब हम इसको 3 मिनट जोश दिलाएंगे गर्म पानी में, तो जो इसका स्टार्च है वो निकल जाएगा। हमारे 3 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, इस टाइम पर आके हम इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे हमने। अब इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा करना है, इसको अच्छी तरह हमने खुश कर लेना है। अक्सर लोग यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि इसको गरम गरम के ऊपर ही मैदा या कॉर्नफ्लोर जो भी इस्तेमाल करना था वो डाल देते हैं, तो वो इसकी कोटिंग अच्छी तरह नहीं होती। इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, खुश कर लेंगे, तो उसके बाद हमने इसके ऊपर मैदा वगैरह जो भी हमने यूज़ करना है ठंडा होने के बाद करना है। ये फ्राइज़ हमारे अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं और हमने इनका जो पानी है वो भी खुश कर लिया है। अब इसमें हम ये अपने जो फ्राइज़ हैं ये इसमें डाल लिए। इस टाइम पर आके हमने ये जो हमने मैदा लिया था ये तकरीबन 1, 2 और ये 3 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दें, तो इसको इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए जी, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गए। ये देखिए, ये देखिए, हमारा आयल अच्छी तरह से इधर गर्म हो चुका है। ये फ्राइज हम इसमें अब ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से देखिए, माशाल्लाह। फ्लेम जो है ना वो आपने हाई रखना है, लो फ्लेम नहीं करना। हमने जो फ्राइज़ इसमें ऐड करने हैं तो उसी वक्त टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। हमने तकरीबन इसको 8 मिनट इधर फ्राई करना है। इसको पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम इसको निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 8 मिनट इसको पका के यहाँ पे निकाल लिए। हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, अब हम इसको मज़ीद 3 मिनट और पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इसका साउंड भी चेक कराता हूँ। ये इसका साउंड सुना, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ये क्रिस्पी तैयार हुई है। ये देखें जी, इसकी फाइनल लुक। अगर हमारी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।